हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन जो बात बताने वाले हैं कि एनटीए ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, बहुत बड़ा स्कैम किया। लास्ट 10 डेज से यही खबरें चल रही हैं। एनटीए के खिलाफ जो करना था वो सब ने कोशिश की, सब किया, अभी भी चल रहा है। कोई संशय नहीं है इस बात में कि अभी भी नहीं हो रहा है, कुछ अभी भी वैसा ही हो रहा है जो होता आया है। कोई अपनी होप नहीं खो पा रहा है वहां पे। टेंशन मत लो, आप भी अपनी होप मत खोइए। मैं जेन्यून स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जो एक्चुअल में पढ़ाई करते हैं। देखो, 600 वाले का पहले भी नहीं हो रहा था, अब भी नहीं होगा, ना आगे होगा। कट ऑफ इतनी भी नीचे नहीं जाएगी अगर रीनीट होगा तो। लेकिन एनटीए ने ऐसा क्या किया? देखो, एनटीए ने इतना सब पूरा मामला ही गड़बड़ा दिया। स्टूडेंट्स का पढ़ने का जो टारगेट था उनका सब कुछ खराब कर दिया। तो स्टूडेंट्स भी इसका रिवर्स एक्शन देंगे ना, टीचर्स भी उसका रिवर्स एक्शन देंगे। एनटीए के खिलाफ एफआईआर फाइल हो चुकी है, एक एफआईआर नहीं, अनगिनत, कोई काउंटिंग नहीं उसकी, अनकाउंटेबल एफआईआर फाइल हो चुकी है एनटीए के खिलाफ। आप एक एफआईआर दे सकते हो ना, सबसे सीरियस एफआईआर 358/2024, ये केस नंबर है। इस एफआईआर को देखो, एनटीए में मतलब सब कुछ लिख रखा है ना कि एनटीए ने क्या किया है। 358/2024 सब पता लग जाएगा कि एनटीए क्या किया क्या नहीं किया, इस सब पता लग जाएगा इस एफआईआर में, पूरा डिटेल्ड दे रखा है। मैं उस टीचर, अमित नाम का टीचर है, मैं उसकी भी मतलब थैंक्स देता हूँ कि उसने ये सब किया, मेहनत की। 358/2024 एफआईआर, और करना भी चाहिए ना। अरे, बहुत बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है, लेकिन अपना हक है ना, अपन इंडिया में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, अपना हक है ये, अपन सब कर सकते हैं ये। क्योंकि तो सही नहीं हुआ है ना, एक के साथ नहीं, लाखों स्टूडेंट के साथ ऐसे एक तरीके का, अपन देख सकते हैं इस बात को।